आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। जिस तरह से आप जानते हैं कि कोविड 19 जो चल रहा है, काफ़ी देर जो है लॉकडाउन रहा, काफ़ी देर लोग अपने अपने घरों में रहे, इससे बचने के खातिर अब जाके जो है लॉकडाउन अनलॉक किया गया है ताकि जो अर्थव्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं जो है सुधार हो सके। लेकिन इस कोविड 19 के चलते जो लोगों की जानें जा रही हैं, जो लोग खासकर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, और जम्मू की अगर हम बात करें अभी तक जितनी भी मौतें कोविड 19 से यहाँ पे हुई हैं और उनकी जो क्रिएशन करने के लिए जो इंतज़ाम थे वो कहीं ना कहीं नाकाफ़ी साबित हुए, दिखाई दिए। जिस तरह से गुज्जर नगर वाला वाक्या आपको याद होगा, जो सरदार जी की डेथ हुई थी, उसके बाद और भी कुछ वाक़ात सामने आए। अभी कुछ दिन पहले ही जो एक डेथ हुई थी कोविड 19 को लेके, जब वो क्रिएशन करने के लिए सिदरा जाते हैं, वहाँ पे पीपी किट पहने हुए और दो जो उनके अटेंडेंट्स होते हैं उनकी भी वहाँ पे डेथ हो जाती है। तो इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट मिस्टर बलविंदर सिंह जी, जानते हैं इनसे। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। जी, थैंक यू सर। क्या कहेंगे, किस तरह की व्यवस्था है, जहाँ एक तरफ जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी में तब्दील किया गया था और बड़े बड़े दावे किए गए थे डेवलपमेंट के, यहाँ की जो करप्शन थी उसको ख़त्म करने के, और इसी बीच जब ये कोविड 19 आ गया, तो क्या साबित हुआ अभी तक इस सब से, जो कोविड 19 की व्यवस्था संभालने में कितना कामयाब हुई है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन? सर साहब देखिए, जैसे हमारी रियासत करप्शन पर नंबर 1 पे थी, टॉप लेवल पे थी हिंदुस्तान में, तो अब जब सब ने ये कहा, भाई जम्मू वालों ने खास करके ये 370 को हटाने की बात की, तो हमने भी कहीं शायद उनकी हाँ के साथ शायद हाँ मनाई होगी, ये सोच के कि शायद एक अच्छा बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम एक अच्छा लागू किया जाएगा, यहाँ यूटी बनेगी, बड़ी अच्छी गवर्नेंस के इश्यूज़ पे, तो हमें भी लगता था शायद हमारे भी दिन कुछ अच्छे आएंगे, लोगों को जम्मू वालों को भी अच्छी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबल सरकार मिलेगी। लेकिन सरकार पहले ही टेस्ट में बिल्कुल फेल हो चुकी है, बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है, क्योंकि कोरोना की महामारी यूटी बनते ही कुछ देर के बाद कोरोना की ये महामारी आ गई, तो सब ने सरकार का पूरा सहयोग किया। मैं समझता हूँ एक आम शहरी से लेकर मीडिया तक हर शख्स ने कोरोना वॉरियर्स को जगह जगह अप्रिशिएट किया, डॉक्टर्स को अप्रिशिएट किया, सरकारों को अप्रिशिएट किया, ब्यूरोक्रेट्स को अप्रिशिएट किया, कॉपरेट किया, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक जंग लड़ रहे हैं जी। लेकिन इसमें एक जो बहुत बड़ा मुद्दा देखने को सामने आया, पहले तो हमने भी कभी इंटरवीन करने की कोशिश नहीं की, मैं कह सरकार ये ना कहे कि हर बात को ही अपोज करते हैं, हमारी हर बात पे नेगेटिविटी ही फैलाने की कोशिश करते हैं, हम खामोशी से बैठे रहे। तो हमने कहा सरकार ठीक कर रही है, जो ही सरकार जम्मू के एक डेथ होती है तो वहाँ पर उसकी क्रिमेशन कहाँ की जाए, सरकार टोटली वहाँ पर एक्सपोज हो चुकी जी। जम्मू शास्त्री नगर में क्रिमेशन ग्राउंड में कमेटी का मैं वहाँ चेयरमैन हूँ, जब जम्मू के एक सरदार जी जो स्पेशल ब्यूरो में काम करते थे, अफसर थे, जब उनकी डेथ हुई तो मुझे एक फ़ोन आया पुलिस अफसर का, भाई आप यहाँ पर चेयरमैन हो, हम यहाँ पर इसकी क्रिमेशन करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने ये गाइडलाइंस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, WHO की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस पढ़ी हुई थी, मैं अवेयर था, इसलिए मैंने एकदम उनको हाँ कर दी, भाई मैं आपको ना नहीं करूँगा। मोर ओवर हमें कोई राइट नहीं बनता, ये पब्लिक प्लेस है, किसी को हम डिनाई करें भाई यहाँ क्रिमेशन नहीं होगी। हाँ, तब तक अगर कि ये पैंडेमिक कोई इससे कोई लोगों में वायरस फैलने का डर है, अगर सरकार मना करती है भाई ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में इसकी क्रिमेशन या बरियल नहीं करना, उस शर्त में हम लोगों को मना कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास कोई अख्तियारात नहीं है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में दखल दें और लोगों को क्रिमेशन से रोकें। एकदम मैंने उस पुलिस अफसर को कहा ठीक है आप लेके आइए डेड बॉडी, मैं यहाँ क्रिमेट करूँगा। शाम को उसने आना था, शाम को 8 बज गए वो डेड बॉडी नहीं आई, फिर उसने दोबारा मुझे फ़ोन किया, कहता है बलविंदर जी एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया पर इसका संस्कार यहाँ नहीं करके उसको हम जोगी गेट जाके करेंगे, वो वहाँ चले गए। मैंने कहा ठीक है, रात को 11 बजे दोबारा फ़ोन आ गया, कहता वहाँ हंगामा हो गया, वहाँ 2 कारपोरेटर्स ने उनको अपोज़ किया, उनकी क्रिमेशन वहाँ नहीं करने दी, तो हम दोबारा सुबह यहाँ करेंगे। मैंने कहा जी क्यों उनको खज्जल करते बेचारों को, मैंने रात को भी आपको कहा था यहाँ ले आइए, खैर सुबह वो लेके आए, 9:30-10 बजे उनकी क्रिमेशन की गई। सबसे बड़ा फेलियर सरकार का वहीं से शुरू हुआ, अगर पहले दिन ही किसी डेड बॉडी के जिस शख्स ने अपोज़ किया था, सरकार को उस चीज़ का कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, उन दोनों कॉर्पोरेटर्स के ऊपर FIR रजिस्टर करना चाहिए था, क्योंकि क्रिमेशन ग्राउंड की जो वह सेवा समिति है उन्होंने रिफ्यूज़ नहीं किया, उन्होंने उसकी पेमेंट ली, उन्होंने पेमेंट लेके उनके हाथ में रसीद दे दी, जब वो क्रिमेशन करने के लिए गए वो 2 शख्स उठ के खड़े हो गए, तो उनको किसी ने अख्तियारात नहीं दिए कि वो किसी को रोक सकें, सरकार का सबसे बड़ा फेलियर यही था। उसके बाद जब मैंने ये चीज़ें देखी तो हमें दुख हुआ,
भाई इंसान को भी एक एक डेड बॉडी को मैं समझता हूँ उसको भी एक राइट बनता है कि उसकी बरियल या उसकी क्रिमेशन डिग्निफाइड तरीके से की जाए, रिस्पेक्टेबल तरीके से की जाए। तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जम्मू में, और मैं मीडिया का बड़ा आभारी हूँ कि प्रिंट मीडिया, एक्सेलसर हो, स्टेट टाइम्स, हर प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, आप जैसे सब चैनलों ने उस चीज़ को हाईलाइट किया, क्योंकि मुद्दा ही कोई ऐसा था, सोशल एस्पेक्ट, लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ था। हर शख्स ने उसकी कवरेज दी, और उसके नेक्स्ट दिन मैंने वो पूरी प्रिंट मीडिया की कवरेज लेकर और कुछ वीडियोज़ लेकर अटैच करके अपने हॉनरेबल जीसी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी जनाब जीसी मुर्मू साहब को वो मैंने मेल कर दी। 17 तारीख को मैंने उनको रात को मेल की, ये उम्मीद करके, क्योंकि पहले मैं बाकी अफसरों को कह चुका था, किसी ने नहीं सुनी। मैंने कहा हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे हमारे मुर्मू साहब बैठे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ इनसे इंसाफ ज़रूर मिलेगा, ये पब्लिक इशू को, इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए डेफिनेटली ये इस पर कुछ काम करेंगे। मैं उसका ये भी आपको बता दूँ, तो ये जीमेल है, ये वो मेल की कापी है जो मैंने 17 तारीख को हमारे हॉनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, ये मैंने उनको मेल की, जिस मेल में मैंने उनसे यह सबमिशन की कि जनाब ऐसे ऐसे हुआ है, पहले ही डेथ हुई है कोरोना की, तो वो ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपोज हो चुकी है, उसकी क्रिमेशन बहुत बुरी तरह की, उस डेड बॉडी को उन्होंने खजल करके रख दिया, तो आप काइंडली, बहुत अच्छा होगा अगर आप ही पब्लिक को कहीं एड्रेस कर दें, क्योंकि आपके मुँह से निकला हुआ एक एक अल्फाज मायने रखता है। अगर आप नहीं कर सकते, सेकंड इन कमांड आप फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डुल्लू साहब को कहिए, आप हमारे चीफ सेक्रेटरी को कहिए, आप डायरेक्टर हेल्थ को कहिए कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बहुत बड़ा मीडिया में होर्डिंग्स लगा के जम्मू में लोगों को अवेयर करें, सरकार अगर चाहे तो हर चीज़ हो सकती है। देखिए सरकार ने लोगों को ये गाइडलाइंस इशू की भाई कोरोना से बचने के लिए आपको मास्क लगाना है, तो आज सब मास्क लगा के बाज़ार में जाते हैं, उन्होंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोग पालन करते हैं, उन्होंने कहा बार बार हाथ धोने हैं लोग पालन, मेरा मतलब सरकार से, अथॉरिटी से जब कोई गाइडलाइंस निकलती हैं लोग उसका पालन करते हैं, मेरे और आपके कहने से लोग शायद भरोसा ना करें। तो मैंने सबमिशन यही उनके LG साहब से की थी, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ कि वहाँ से भी ऐसी कोई गाइडलाइंस इशू नहीं हुई। उसके बाद हार के 8 दिन के बाद एक RTI मुझे हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट के ऊपर भी एक RTI लगानी पड़ी, भाई मुर्मू साहब आपको मैंने 17 तारीख को ये मेल की थी, इस मेल के ऊपर आपने क्या कार्रवाई की, क्या किसी को आपने डायरेक्शन दी, अगर कोई डायरेक्शन दी है मुझे वो कॉपी दे दीजिए, उन्होंने उस पर क्या किया मुझे उसकी डिटेल दे दीजिए, ताकि उन वहाँ पर जो ऑफिसर्स काम करते हैं उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको अकाउंटेबल बनाया जा सके, मुझे पता चले भाई ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या उनके पास, मैंने ये पूछा आपके पास कब प्रेजेंट हुई मेरी वो पिटीशन, मुझे पता चले उनके पास गई भी या नहीं गई, तो अब RTI 2-4 दिन में मुझे आने वाली है, टाइम 30 दिन पूरे होने वाले हैं, तो वो पता चलेगा, जो भी होगा मीडिया से शेयर करूँगा। दूसरी बात, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि WHO की गाइडलाइंस जो कहती हैं और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, भाई कहीं भी किसी भी डेड बॉडी से कोई कोरोना वायरस का बाहर फैलने का कहीं कोई खतरा है। ये गाइडलाइंस देखिए, ये गाइडलाइंस मेरे जैसा एक आम आदमी भी, ये WHO की गाइडलाइंस हैं, ये लोग देख सकते हैं, मीडिया में अवेलेबल हैं, उनकी वेबसाइट पे हैं, मेरे जैसा शख्स अगर डाउनलोड करके पढ़ सकता है। उसके बाद ये है COVID-19 की गाइडलाइंस ऑन डेड बॉडी मैनेजमेंट, पर डेड बॉडी की मैनेजमेंट कैसे की जाए, डेड बॉडी का बरियल या क्रिमेशन कैसा किया जाए, ये पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये गाइडलाइंस हैं। और मैं हैरान होता हूँ, अगर आपने ये गाइडलाइंस बनाई हैं तो इनको क्या आपने कहीं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में देने के लिए रखा है, आपने इसकी शेल्फ पर सजाने के लिए रखा है, ये गाइडलाइंस पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आती, जगह जगह हम रोज़ सुनते हैं। सिर्फ सरदार जी की बात नहीं करूँ, उसके बाद दूसरी डेथ हुई कोई, वो डोडे का शख्स था, उसके लिए आप इनको लेके गए दुमाना, वहाँ फ्यूनरल पायर तैयार किया गया, डेड बॉडी को ऊपर रखा गया, उसमें आग लगाई गई, जब आग लगाई तो वहाँ के लोग आके इकट्ठे हो गए, उन्होंने पानी लेके आए, उन्होंने उसके ऊपर पानी फेंक दिया। मैं समझता हूँ ये भी जम्मू कश्मीर के इतिहास में या मानवता के इतिहास में पहली बार होगा कि अपनी ज़मीन पर उसको ज़मीन आग नसीब नहीं हुई, तो लोगों ने उसकी आग को बुझाया और उसके बाद पथराव किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो ये कहती है नहीं जी ऐसा नहीं हुआ, उसके घर का ये कटोच जिसका नाम भी मैं आपको बता सकता हूँ, उसने मीडिया को कहा भाई वहाँ पर पथराव होना शुरू हो गया, पुलिस वाले भी भागने शुरू कर गए, मेडिकल की टीम गई थी भागना शुरू कर गई, हमने लोगों से हाथ जोड़ा, हम यहाँ से इसको लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा फिर हमने एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त की, प्लीज़ आप हमें अलो कीजिए, इस तरह मत कीजिए, हम अपने डैडी को, हम अपने बुजुर्ग को लेकर डोडा में चले जाते हैं, हम वहाँ जाकर इसका क्रिमेशन करेंगे अच्छे तरीके से, डिग्निफाइड तरीके से, ऐसे हमारी डेड बॉडी के साथ हम मजाक मत कीजिए। उसके बाद तभी के पास जाके उसकी क्रिमेशन की गई।
मैं पूछता हूँ क्या अगर एलजी साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन चेयरमैन की शिप के अंदर जो चीफ सेक्रेटरी साहब की कभी ये जो मीटिंग कोविड के रिलेटेड करते हैं, क्या उन्होंने ये नहीं सोचा, ये उन्होंने कहा भाई 10,000 बेड का हम इंतज़ाम करते हैं लोगों को अगर आइसोलेशन क्वारंटाइन में रखना पड़ा 10,000 बेड का। अगर आप, मैं कहता हूँ वाहेगुरु करे, ऊपर वाला करे, अल्लाह ताला करे, कोई ऐसी घटना ना हो, लोगों की डेथ ना हो, लेकिन अब अगर ये महामारी फैलती है तो डेथ भी होंगी। अगर डेथ्स होंगी उसकी क्रिमेशन कहाँ होगी या उसका बरियल कैसे होगा, इस पर डिसाइड कौन करेगा? इस पर डिसाइड क्या कारपोरेटर करेगा? इस पर डिसाइड क्या आप करेंगे या मैं करूंगा? हमें क्या अख्तियार है को डिसाइड करने का? सरकार ये चीज़ क्यों नहीं आई तक किसी भी मीटिंग में, ये डिस्कशन क्यों नहीं हुई भाई क्रिमेशन कहाँ होगी? मैंने पहले भी सजेशन दी थी सरकार को, भाई इससे खतरा नहीं है, आप ये मैंडेटरी कर दीजिए, आप ये प्रेस में दीजिए भाई यहाँ पैंडेमिक एक्ट लगा हुआ है, यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, उस एक्ट की अलग अलग सेक्शन को रिवोक कीजिए, और जो शख्स सरकारी काम में को बाध्या बनता है उसको रोकने की कोशिश करता है इमीडिएट रिपोर्ट दें बिहाइंड द बार्स, ताकि एक के खिलाफ अगर एफआईआर लगेगी दूसरे में डर पैदा होगा, ताकि वह दूसरों को कहीं जुर्त नहीं करेगा किसी की क्रिमेशन को रोकने के लिए। मैं मेयर साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ, आपकी भी ये प्राइम ड्यूटी बनती थी कि आप अपने कम से कम कारपोरेटर्स को बिठा के ये चीज़ तो बता सकते थे भाई आपने जो रोका गलत किया, आपने क्राइम किया है, बाकी ये कारपोरेटर्स को समझा सकते थे भाई गाइडलाइंस हमारी ये कहती हैं इसलिए आपको कोई हक नहीं रोकने का, लेकिन उन्होंने भी अपनी जिम्मेवारी से कहीं ना कहीं किनारा कशी की, उन्होंने भी ये बात नहीं की। मैं एक बार फिर सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, मैंने जो सबमिशन एलजी साहब से भेजी वॉइस रिप्रेजेंटेशन मैंने डिविजनल कमिश्नर वर्मा साहब जो हमारे हैं डिविजनल कमिश्नर उनको भी भेजी, मेरे भेजने के 15 मिनट के बाद उन्होंने वो पिटीशन चेक की, उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मैंने हमारे जम्मू प्रोविंस के नोडल अफसर जो कोरोना के बने हुए हैं वो IAS हमारे डॉक्टर भूपिंदर कुमार जी हैं, उनको मैंने कॉल की उसी दिन 16 तारीख जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने कहा जनाब आप नोडल अफसर हो, तो एरोगेंस होती है ब्यूरोक्रेट्स में, लेकिन जब उन्होंने मेरा नाम सुना और इशू सुना तो बड़ी पेशेंसली बड़े प्यार से उन्होंने मेरी बात सुनी और एग्री किया भाई जो आप कह रहे हो रियली इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, इस चीज़ पर हमको कोई काम करना चाहिए। तो मैं भी समझता हूँ भाई ये गलत हो रहा है, तो मैं आपको बलविंदर जी मैं आपको इश्योर करता हूँ कुछ ही दिनों के अंदर हम इस इशू पे काम करेंगे, लेकिन आज तक उनकी तरफ से भी कोई नहीं हुआ। 2 दिन पहले मैंने उन्होंने दोबारा फ़ोन किया, मैं कहा सर आपने उस वक्त मुझे इश्योर किया था, उन्होंने फिर मुझे कहा बलविंदर मैं नहीं कुछ कर पाया, आप डिविजनल कमिश्नर साहब को मिलें। मैंने डिविजनल कमिश्नर साहब को 3 बार कॉल की, SMS किया, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, भाई मैं इस इशू पे बात करना चाहता हूँ, बार बार ये डेड बॉडीज के साथ ऐसा हो रहा है, मैं इस इशूज़ पे बात करना, आपसे कोई छोटी सी सलाह एडवाइस देना चाहता हूँ, आपको अच्छी लगे रखना, नहीं अच्छे लगे उसको दरकिनार कर देना, इसी तरह इसी तरीके से कंटिन्यू करना, एक एक डेड बॉडी को 3-3 बार उसकी क्रिमेशन कराना। तो किसी ने भी वहाँ से रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैं आज मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ लोगों को कि बड़ी बड़ी हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हर एक बात पर बड़ा बोलते हैं, हर एक बात पर किसी ना किसी का बुत जलाने के लिए लग जाते हैं, इस इशू पर वो भी खामोश क्यों हैं? सबको आगे आना चाहिए क्योंकि ये धार्मिक मसला है, हमारे उनके साथ हमारी आस्था जुड़ी हुई होती है, क्योंकि आज अगर लोगों ने स्पेशल बसों का सरकार ने इंतजाम किया भाई जो उनकी ऐशीस हैं जो उनकी अस्थियां हैं उसको गंगा में परवाने के लिए, क्योंकि इनके साथ लोगों की आस्था जुड़ी होती है। मैं मुंबई भी की एक बात आपको सुनाऊँ, नेशनल लेवल पर भी ये प्रॉब्लम है, नेशनल लेवल का मीडिया भी आज की डेट में मैं आपको क्या कहूँ कहना ना चाहिए आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन जिसे 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हम कहते हैं वो भी आज ना कहीं कहीं ना कहीं कुछ TRP के चक्कर में हिस्सा रहता है, चाइना के ऊपर और चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए उसके पास बहुत टाइम है, हिंदू मुस्लिम करने के लिए बहुत टाइम है, तबलीगी जमात ने कोरोना वायरस फैला दिया बहुत अच्छी बात बहुत उस पर बात करने के लिए है, हमारा एक गुरुद्वारा हजूर साहब से वहाँ से कुछ संगत आई कोरोना वायरस फेंक दिया सिखों के इस ग्रुप ने, इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए उनके पास टाइम है। ये जो मुद्दा ये सीधा लोगों के साथ जुड़ा हुआ है जिससे लोगों की आस्था का खिलवाड़ हो रहा है उस इशू पे बात करने के लिए नेशनल मीडिया के पास टाइम नहीं है, एक भी बार किसी आज तक डिबेट इस इशू पे मैंने नहीं देखी। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको महाराष्ट्र की देता हूँ, मुंबई में मलाड़ जगह है जहाँ से एक मुस्लिम हमारा जिसकी कोरोना की वजह से डेथ होगी उसको कब्रस्तान में किसी पापियों ने किसी ने उसको वहाँ डिनाई कर दिया, हम उसका बरियल नहीं होने देंगे, तो उसके साथ एक क्रिमेशन ग्राउंड था जहाँ बॉडीज़ को क्रिमेट किया जाता था। आप अंदाज़ा लगाइए वो घर वाले कितने मजबूर होंगे जिन्होंने अपनी मजहबी रवायत को छोड़ के अपने जो इस्लामिक जो हमारी रवायतें कहती हैं उसका कब्र में बरियल होना चाहिए उसको छोड़ के किस मजबूरी में होंगे उनको अपनी उस मुस्लिम डेड बॉडी को क्रिमेट करना पड़ा। ये मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की सरकार के लिए भी शर्मसार करने वाली बातें हैं, तो ये इन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। अब मैं ये फिर आपको बताना चाहूँगा
कि हार के जब कहीं पर किसी ब्यूरोक्रेसी नहीं सुनी, रात को मैंने एक पटिशन तैयार की है। आज वो पटिशन रात को मैं मेल ऑनलाइन हमारे माननीय गीता मित्तल जी है जो चीफ जस्टिस हमारे जे एंड के हानेमल हाई कोर्ट की, इस उम्मीद के साथ कि जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो लोगों को जुडिशरी पे आके भरोसा आता है, पर शायद जहाँ से हमें कोई रिलीफ मिले। मैं भी उस उम्मीद के साथ, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए एलजी साहब से जब कोई रिलीफ नहीं मिला, इस इश्यू पे काम नहीं हुआ, अब मैं शाम को आई ड्राफ्ट कर दिया मैंने, आज शाम को वो ऑनलाइन जितनी भी अटैचमेंट्स हैं मेरी जिस जिसको मैंने आज तक अप्रोच की उन सब के नाम लिख के मैं गीता मित्तल जी को, हमारे ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस साहब जे एंड के हाई कोर्ट के हैं, उनको एक पटिशन दूंगा और मैं हर विद फोल्डेड हैंड उनसे उम्मीद करूंगा, सबमिशन करूंगा। ये एक बहुत ही आस्था सा के साथ जुड़ा हुआ है, जम्मू के में हमारे इसे सोशल फैब्रिक को शर्मसार कर दिया है, तो इसको कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ वो इसे PL ट्रीट करेंगी, कॉग्निजेंस लेंगी और सरकार को डायरेक्शन देंगी कि इस इशू पे जल्द से जल्द गाइडलाइन इशू की जाए। सबसे पहले तो ये ऑर्डर किया जाए जिसका जहाँ डेथ होती है उसकी नियरेस्ट जुरिस्डिक्शन जहाँ पड़ती है उस ग्रेवयार्ड में और उस क्रिमेटरी उस क्रिमेशन मेटोरियम में उसके क्रिमेशन और बरियल किया जाए। और अगर सरकार ये कहती है भाई ये गाइडलाइंस ठीक नहीं है, कोई इन्फेक्शन फैलती है, फिर सरकार को चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में कोई एक आइसोलेट प्लेस पे जगह आइडेंटिफाई करे जिसके ऊपर कोई शेड हो। उस तरह नहीं, चार दिन पहले जैसे डेथ हुई कोरोना पेशेंट की, कोरोना पेशेंट जो मरा उसकी तो कोई समझ आती है, जो उसके दो नेफ्यूज जो उसके साथ गए, जो उसका बेटा उसके साथ गया, आपने 45 डिग्री धूप में जाके तवी के किनारे उनको रख दिया, उनको सुबह 3 घंटे पहले PPE किट डाल दी। PPE किट डाल के आप AC रूम में बैठ के काम कर सकते हो, धूप में जाके काम नहीं कर सकते। आपने उन बच्चों को बिना पानी पिए हुए सिदरे में तवी के किनारे ले गए, किसने डिसाइड की वो लोकेशन, उस वक्त धूप का वहाँ टेम्परेचर क्या हो गया, जो PPE किट, उसके बाद गाड़ी वहाँ रास्ता नहीं था, गाड़ी रेत में फंस गई, ये सुनने में आया है। तो उन बच्चों को ये उन लोगों को ये कहा गया आप गाड़ी को धक्का लगाएं, उन्होंने गाड़ी को धक्का लगाया, पीने का उनके पास पानी नहीं था, उस वजह से सफोकेशन की वजह से टेम्परेचर की वजह से वो दम तोड़ के वहीं गिर गए। और ये भी बड़ी बेशर्मी की बात है सरकार के लिए कि किसी की बॉडी वहाँ से 3 घंटे के बाद हॉस्पिटल में पहुँची, किसी की बॉडी 4 घंटे के बाद पहुँची, तो उसके बाद सरकार इंक्वायरी की एक रिपोर्ट इंक्वायरी इनिशिएट करती है। उस इंक्वायरी का रिजल्ट मैं आपको अभी मीडिया के थ्रू बताता हूँ। सरकार जो इंक्वायरी इनिशिएट की है सरकार ने और जो आज उस पर वर्किंग हो रही होगी, मैं समझता हूँ शायद कल उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आनी है, जो सरकार के सारे अफसर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डॉक्टरों का बना होगा, उन साहब की कोशिश क्या होगी, ये कोशिश नहीं होगी भाई सच्चाई क्या है, किसका कसूर है, क्या ADC का कसूर है, क्या हेल्थ वालों का कसूर है, उनको अकाउंटेबल बनाया जाए। उनकी आज जो मीटिंग कल भी और आज भी किसी 5-star और किसी AC रूम में बैठ के चल रही होगी, वो मीटिंग यह चल रही होगी भाई अपने ऑफिसर्स को क्लीन चिट कैसे देनी है, अपने ADC को कैसे बचाना है, अपने हेल्थ वालों को कैसे बचाना है, ये उस मीटिंग में ये मुद्दा चल रहा होगा। ये मुद्दा हरगिज़ नहीं होगा कि अकाउंटेबल किसको बनाना है ताकि उसकी कन्विक्शन की जा सके, उसको कोर्ट तक पहुँचाया जा सके, ऐसी कभी नहीं होगा। सो लोगों के अंदर इस खुशी में नहीं रहना कि सचमुच कल आपके सामने दोषी आ जाएगा, बिल्कुल दोषी कभी जम्मू कश्मीर में कभी भी आज तक अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है। बड़े बड़े मगरमच्छ कभी आज तक किसी की गिरफ्त में नहीं आए, चाहे विजिलेंस हो या ACB हो। मैंने आगे भी कोरन साहब को कहा था नाम बदलने से कुछ नहीं होता, खोते के ऊपर गधे के ऊपर अगर शेर की खाल डाल दो वो शेर नहीं बन जाता, उसको उसका जनरल ओवर हाल चाहिए। आज भी ACB को आपने पूरी पावर नहीं दी, उसके वो नहीं दिया, लिहाजा अकाउंटेबिलिटी जम्मू कश्मीर में नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर इसकी डायरेक्शंस ऊपर से आएंगी भाई इसको बचाना है या फंसाना है, किस अफसर को बचाना है, तो वो पहले ही डिसाइडेड है फैक्टर। लोगों के सामने जिसका कसूरवार वो सामने नहीं आएगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ लोगों से ऐसी बात कर रहा हूँ, लेकिन जब मेरा पुराना एक्सपीरियंस कहता है जम्मू कश्मीर की धरती का अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है, तो मैं सरकार से फिर विनंती करता हूं कि जल्द से जल्द इस इशू को डिसाइड करें और लोगों को आइंदा किसी डेड बॉडी के साथ इस किस्म का व्यवहार ना हो, क्योंकि डेड बॉडी भी डिजर्व्स रिस्पेक्टेबल और डिग्निफाइड बरियल ओब्लिक क्रिमेशन। जी बिल्कुल बलविंदर सर, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जिस तरह से ये जो गुजरनगर वाला वाकया हुआ और जो दुमाना वाले जो वाकया हुआ, इसका कारण क्या है, क्यों नहीं इस पे जो है सिंसियरिटी से जो है एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। दूसरी बात यह है कि करप्शन जो है इस दौर में भी लाशों के ढेर पे बैठ के जो है करप्शन जो है पीक पे है, क्योंकि इल्ज़ाम बहुत सारे लग रहे हैं, बहुत सारी मशीनरी आई है, अरबों रुपये की मशीनरी आई है और वो ख़राब पड़ी है, क्या अभी भी जो करप्शन पीक पे है। देखिए एक चीज़ तो सबसे पहले मैं आपको ये भी कहूँगा, जो हमने नेट पर देखा है, नेशनल लेवल पर जो देखा, जो गाइडलाइंस कहती हैं, SOP कोई कहती हैं, अगर कोरोना पेशेंट जब किसी की डेथ होती है उसको पूरा अंडरस्ट करके उसको अपने मॉर्चरी रूम में रख के वहाँ पर उसकी उसकी बॉडी को डिसइंफेक्ट किया जाता है, ये SOPs कहती हैं।
उसके बाद वो अपने किसी कपड़े में उसको पैक करके पॉलीथीन जो वाटरप्रूफ एक पॉली किट बनी हुई है उसमें पैक करके पेश उनके हवाले किया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। अब हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब जीएमसी के क्लेम करते हैं, प्रिंसिपल साहब क्लेम करते हैं, लेकिन उस सरदार फैमिली से पूछिए जो प्रीतनगर के हैं, उनकी फैमिली ने इनको कहा कि हमें इन्होंने वो पीपी किट हाथ में दे दी, ये डेड बॉडी उसी के जो कपड़े पड़े थे पैंट शर्ट उसी में था, वो कोई डिसइनफेक्ट नहीं की थी, उनको ये डेड बॉडी दे दी, ये लीजिए डेड बॉडी और ये ले लीजिए पीपी किट, आप खुद ही इसको डाल लीजिए। ये एसओपीज की फॉलो कहाँ की जा रही है? अब वो कहेंगे मैं एलिगेशन लगाता हूँ, मैं नहीं कहता, जाइए उस फैमिली मेम्बर्स को पूछिए। अगर उसकी फैमिली भी अगर झूठ बोलती है फिर मैं समझता हूँ यही लोग सच बोलते हैं, बाकी तो दुनिया में कुछ झूठ सच बोलता ही नहीं। तो एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा, किसी किस्म की आप इन चीज़ों को गाइडलाइंस को नहीं देख रहे। हम आपकी इज्जत करते हैं क्योंकि आप इस मुश्किल की घड़ी में हम समझते हैं कि आपको किसी बात के पूछा ना जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आएगा। अगर आज एज एन एक्टिविस्ट मैं आपका आपको थोड़ा छोड़ता हूँ, इस वक्त मैं आटकी फाइल नहीं करता, लेकिन टाइम आएगा इस चीज़ को ज़रूर पूछा जाएगा कि आज भी पीछे भी एक स्कैंडल आया था कि जो मास्क की परचेसिंग की गई वो किसी आईएएस अफसर का कोई भाई है उसके थ्रू मास्क की परचेसिंग की गई, तो 20 रुपये का मास्क 40 या 45 रुपये में परचेस किया गया। मैं अभी एलिगेशन नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये मैं उनको दावे से कहता हूँ, आप ये मत भूलिए कि आपको अकाउंटेबल नहीं बनाया जाएगा। वक्त आएगा, हालात नॉर्मल होंगे, बहुत अच्छे से एक्टिविस्ट हमारे पास जम्मू में बैठे हैं जो सिंसियर काम करते हैं, पब्लिक इशूज पर काम करते हैं, इन चीज़ों को इन लोगों को अकाउंटेबल बनाया जाएगा। आप शॉर्ट टर्म टेंडर लगा के चीज़ें परचेज कर सकते हैं, उसके बावजूद आपने कहीं ऐसी परचेजिंग की हैं जो बड़े हाई रेट्स पे हैं, उसका हिसाब भी आपको देना पड़ेगा। कहीं ये ना समझें कि लोगों ने आंखें बंद कर दी हैं, नहीं, आंखें अभी बंद तब की हैं। इस वक्त सरकार को कोसना या क्रिटिसाइज करना या एलिगेशन लगाना ठीक नहीं है। इस कोरोना की महामारी में निपटने के लिए हमसे भी जितना हो सकेगा सरकार को कोऑपरेट करेंगे। अभी जो मैंने आपको कहा डिपकॉम को लिखा, हमने डीसी मैडम को लिखा, ये लिखा भाई हम आपसे कोऑपरेट करना चाहते हैं, आपको हर नेगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं मिलना चाहते, आपसे कोऑपरेट करना चाहते हैं, शायद हमारी छोटी सी एक सलाह भी कहीं आपके काम आ जाए। तो करप्शन के इस दौर में वो अफसर भी अपने आप को खबरदार रहें, सावधान रहें कि अगर उनको अकाउंटेबल नहीं बनाया जाएगा, उनको अकाउंटेबल बनाया जाएगा, एक एक चीज़ के लिए उनको पूछा जाएगा। अगर आपने ये ली तो कहाँ से ली, क्या उसकी गाइडलाइन थी, क्या उसकी टेंडरिंग थी, क्या उसने कोई रेट की कोटेशन मांगी? अगर टेंडर नहीं कर सकते, दो तीन चार फर्मों से रेट की कोटेशन मांगी, क्या आपने खुद आपके बहनों भाइयों ने ही तो नहीं वो फर्में तैयार कर दी, चार चार दिन में रजिस्टर करवा ली, जिनसे आपने परचेसिंग कर ली? इस बात का भी ध्यान रखिए। इस वक्त आप लोगों अपना ध्यान लोगों पर रखिए, इस चीज़ को भूल जाइए। लेकिन जो परचेसिंग करें, कहीं एक पैसा भी पब्लिक का खर्च करें, उसके ऊपर ये मत भूलिए कि आपका कहीं लिहाज होगा, ये आपकी अकाउंटेबल नहीं की जाएगी, आपको अकाउंटेबल बनाया जाएगा, टाइम आने पर बनाया जाएगा। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से ये एक गुजरनगर वाला वाक्य और एक जो दुमाना में जो डेथ होती है कोविड 19 के दौरान, और जिस तरह से अध जली लाश को जाए वहाँ से डोडा रेफ़र किया जाता है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी शर्मनाक करने वाला वाक्य है। जो भी लोग इसमें इस तरह के एक्ट करते हैं, या इस तरह की जो आखिरी समा आखिरी लम्हा जो होता है वो मौत होता है, और उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन पर क्या बीतती होगी। जी सर, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, सरकार ने थ्रू आउट कंट्री ये अनाउंस किया है कि जहाँ भी कोरोना वॉरियर्स की अगर कहीं डेथ होती है तो उनको काफ़ी अमाउंट उनके लिए डिक्लेयर किया था। मैं समझता हूँ ये भी डिक्लेयर करना चाहिए, अगर गवर्नमेंट की नेगलिजेंस की वजह से जैसे कल को डेथ हुई, जितना अमाउंट आपने कोरोना वॉरियर्स के लिए रखा है उतना अमाउंट उन लोगों को भी देना चाहिए। सिर्फ आपने 2-2 लाख उनको दिया है। मैं उसकी बेवा को, उसकी वीडियो को कल रोते हुए बिलकती हुए देख रहा था, वो कह रही थी यही हमारे घर में अर्निंग मेंबर था, हमारी छोटी सी दुकान थी, किराए पे लेके रखी थी, ता जिंदगी मेरी बची है, ता जिंदगी हमारा खर्चा अब गुजारा कैसे होगा। जिस घर का अर्निंग मेंबर चला जाए आप क्या समझते हो 2 लाख रुपए जो आप ब्यूरोक्रेट से एक महीने की सैलरी देते हो, आप ये क्या समझते हो कि 2 लाख से उसकी ता जिंदगी कटेगी? मैं ये भी सरकार से आज मैं डिमांड करता हूँ कि उन लोगों को एट पार विद कोरोना वॉरियर्स के तहत जितना आप उनको देते हैं अवार्ड उतना पैसा इनको सैंक्शन कीजिए, ताकि उनकी जिंदगी भी पूर्ण तरीके से निकल सके, गुजर सके। तो जिस तरह से उन 2 लोगों की जो मौत हुई है उनको जो 2-2 लाख रुपया दिया गया है, वो भी कहीं ना कहीं जो है अन्याय है उन लोगों के साथ, कहीं ना कहीं जो इन लोगों की गलती के कारण जो है उन लोगों की मौत हुई है, और 2-2 लाख रुपया जो कंपनसेशन उनको दिया गया है, पूरे सारी ज़िंदगी उस 2 लाख से वो नहीं निकाल सकते हैं, और कहीं ना कहीं अन्याय जो उन लोगों के साथ हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और जो कोविड 19 के दौरान जो कोरोना वायरस के दौरान जिन लोगों की मौत होती है उस पर भी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कहीं ना कहीं उनके लिए भी कोई स्पेसिफिक जगह या कुछ इस तरह के इंतजाम किए जाएँ, ताकि लोगों पर लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जिस तरह से गुजरनगर में या दोमाना में जो वाकयात
सामने आए उस तरह की हरकतें वो ऐसा ना करें, कुछ FIR जो हैं वो रजिस्टर करें, कोई एग्जांपल जो इस तरह की लगाएं पेश करें ताकि लोगों में इस चीज़ का डर हो कि अगर हम इस तरह का वाकया जो दोबारा से करें तो हम पे जो पर्चा लग सकता है, FIR लग सकती है, तो इन लोगों को जो है ये मरना, ये लास्ट जो COVID-19 के दौरान जो मौतें होती हैं इनके साथ अन्याय ना हो, इनके साथ भी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ध्यान रखना चाहिए और इन लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, इनके परिवार वालों के साथ न्याय होना चाहिए। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, न्यूज़ एयर इंडिया के लिए अदरीस मोहम्मद के साथ।